हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके। तो आज जो है मैं आप लोगों को रिफ्रेशिंग ड्रिंक बताऊंगी कैसे जो है हम लोग पहले से स्टोर कर सकते हैं। और इसके पहले जो है मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अम्पन्ना की ज़बरदस्त रेसिपी जो है, और वो और बटर चिकन, पोटली बटर चिकन जो है मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी और रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, जो लेना है आपको ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने पुदीना डाल दी हूँ एक मुट्ठी भर के। पुदीना तो लाजिम डाला करिए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ठंडा भी लगता है। और इसके अंदर मैंने जो है शुगर ऐड कर दी हूँ। तो मेरी जो है ना वो रास्पबेरी वो बहुत खट्टी है थोड़ी, तो मैं इसलिए 10 से 12 जो है वो चम्मच डाल दूँगी। तो आपकी स्ट्रॉबेरी और वो सब जो फ्रूट्स कैसे हैं उस हिसाब से आप शुगर ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने काला नमक 1 टीस्पून भर के ले ली थी। और बस इसको जो है मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी, एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूंगी और इसका जो है मोटा मोटा पल्प बन जाएगा, एकदम अच्छा थिक कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा। अब जो है मैं इसको सिलिकन मोल्ड में जो है वो डाल के फ्रीज कर दूंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलिकन मोल्ड जो है ना ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो मैंने तो ये अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो मुझे इसका जो है सेट मिला था। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे इसके साथ और क्या मिला था। तो ये एक स्क्वायर वाला जो है सिलिकन मोल्ड है, इसके अंदर मैंने सारी जो है वो बेरीज ग्राइंड करके डाल दी हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये फ्रीज़ होगा तो हम लोग यहाँ पे उसकी जो एक और आइस बॉल्स बना लेते हैं, जो उसके साथ हम लोग इस ड्रिंक के साथ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेमन ले ली हूँ और उसको जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली हूँ। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये लेमन जो है ये मेरे गार्डन का है। और यहाँ पे जो है मैंने एक और सिलिकन मोल्ड ली थी जो मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाई हूँ, और इसके अंदर जो है मैं लेमन के क्यूब्स डाल दूंगी और पुदीना, वो आपके ऊपर है आप कितना डालना चाहें। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं पानी भर दूंगी और ये ऊपर से इसका जो है एक और ढक्कन आता है और उसके साथ एक ये मिलता है फनल, इसके साथ जो है पानी भरने में बहुत आसानी होती है। तो ये टॉप तक पानी भर के मैंने इसको फ्रीज कर दिया और अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। आइस बॉल्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और अगर आप मेहमान मेहमान के सामने सर्व करना चाहते हैं तो जो है 10 out of 10 मिलेगा आपको। तो ये देखिए सारे आइस बॉल्स जो हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रेडी हो गए हैं। अब इनको जो है मैं ज़िपलॉक बैग में रख दूंगी। जब हम कोई रेस्टोरेंट या बाहर में होटल उटल जाते हैं और मोहितो ऑर्डर करते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि पुदीना और लेमन उसके अंदर रहता है, तो ये वही चीज़ है, बस इसको मैंने आइस बॉल के फॉर्म में कर दिया था। और अब यहाँ देखिए हमारा बेरीज का जो है कॉन्सेंट्रेट वो भी फ्रीज हो चुका है और कितना बेहतरीन क्यूब्स बने हैं देखिए, और इतने आसानी से निकल जाता है सिलिकन मोल्ड से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। अब जब हमें यूज़ करना होगा इसको इफ्तार के टाइम पे, तो हम एक क्यूब जो है वो बेरीज का लेंगे और एक क्यूब जो है वो आइस बॉल्स का लेंगे। और जो है इसके साथ कई ऑप्शन है, चाहे तो इसको सोडा के साथ जो है मिला के पिए, या फिर जो है आप इसको स्प्राइट के साथ डाल सकते हैं। वैसे मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो मैं इसको दूध में मिक्स करती हूँ, तो ये हमारी बेहतरीन स्मूदी बन जाती है। अब जो है मैं चीज़ बस्ट वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गरम कर ली हूँ और उसके बाद जो है मैंने लंबे लंबे 2 बड़े प्याज काट के डाल दिए थे। तो बस उसको जो है हम लोगों को पिंक करना है, ये देखिए ऐसा ट्रांसपेरेंट कलर। और इसके बाद जो है मैंने 3 कलर के कैप्सिकम ले ली थी, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो ये डिश जो है देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में तो पूछिए ही मत कितनी ज़बरदस्त लगती है। अब जो है इसकी सीजनिंग करते हैं। तो यहाँ 1 टीस्पून जो है मैंने क्रश रेड चिली डाल दी हूँ और 1 टेबलस्पून भर के मिक्स्ड हर्ब्स डाल दी हूँ और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे ग्रीन चिली है 1 टीस्पून, और उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मिर्चा और नमक ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो 5 मिनट मीडियम आँच पर भूनने के बाद ये हो जाएगा एकदम रेडी। अब जो है इसका चीज़ हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ले ली हूँ और 1/2 कप चेडर चीज़ ले ली हूँ, दोनों का टेस्ट अलग होता है, और 1 टीस्पून क्रश रेड चिली और 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। बस अब इसको दोनों हाथों से मिक्स कर लें, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का चीज़ जो है ना ये रेडी होता है। अब जो है ये मैंने स्प्रिंग रोल की शीट ले ली हूँ, तो मैं यहाँ पर स्वीट्स की शीट यूज़ कर रही हूँ जो कि व्हीट की है, मैदे की नहीं है। और बस अब इसको स्प्रिंग रोल को कैसे भरना है ये आप देख लीजिए, स्लरी लगा के मैंने दोनों तरफ से जो है इसको फोल्ड कर दिया है।
और ना इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप चाहें तो मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, जो भी आपके घर वाले पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे जो खाते हैं बस वही वेजिटेबल्स मैंने यूज़ करी हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को जो है इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड करने हैं ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ्लेवर निकल के आता है जब इस चीज़ जो है इसके अंदर से बर्स्ट होती है ना जब हम लोग खाते हैं। तो इस स्प्रिंग रोल को ना मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं शैलो फ्राई करके ही खाती हूँ। तो एक दफ़ा आप ट्राई करिएगा, और जब स्प्रिंग रोल आप फ्राई कर लेना तो उसको बीच से कट करिए, हाफ में डिवाइड करिए, तो देखिए कैसे जो है उसकी चीज़ बर्स्ट होती है। तो लाजमी ट्राई करें आप लोग, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना था। खुदा करे कि आप लोगों की भी ये आइटम ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। और आगे आगे जो है मैं सहरी के लिए रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, खोए की पूरी। मेरे तो अभी मुंह में पानी आ गया और 4 किलो वज़न तो अभी से बढ़ गया मेरा खोए की पूरी के नाम से। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेहतरीन बेहतरीन रेसिपीज़ जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे स्प्रिंग रोल जो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, अब मैंने जिप लॉक बैग में डाल के और स्ट्रॉ डाल के उसकी सारी एयर सक कर लूँगी ताकि हमारे फ्रीज़र में खूब सारी जगह बने। तो यहाँ पर जब मैं रमज़ान के लिए कुछ सामान लेके आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना भजिया तलने के लिए लाई थी, तो ये नीचे ट्रे है और इसके ऊपर जाली है, तो जब भी हम लोग भजिया तलेंगे ना तो यहाँ पे भजिया रहेगी और नीचे पूरा तेल जो है वो जमा हो जाएगा, तो इससे भजिया ना सौगी भी नहीं होती है, तो एकदम फ्रेश फ्रेश रहेगी। और ये जो है ना ये भजिया तलने के लिए, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो वो बोले बड़ा वाला ले लो, तो ये हम लोग ने भजिया तलने के लिए बड़ा वाला लिए हैं छानने के लिए। और ये वाला जो है ना, ये देख रहे हैं ये छन्नी है, मतलब तेल छानने के लिए, जो हम लोग का तेल हम लोग भजिया तलते हैं उसमें जमा हो जाता है कचरा, वो छानने के लिए। तो ये देखिए कितना बारीक है, इसमें पूरा कचरा जो है वो निकल जाएगा और बहुत ईजीली जो है हम लोग ऐसे पूरा छान सकते हैं तेल। और ये वाला भी एक मैं सेट लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये देखिए ये ऐसे जो है ना ये सेट है, तो इसमें जो है हम लोग खजूर निकाल सकते हैं अफ्तार के टाइम पे, और यहाँ पे चटनी। तो ये एक साथ जो है ये स्टैंड के साथ मिला है ये बोल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे खजूर और यहाँ पे चटनी। और ये वाला जार मैं लाई थी खजूर रखने के लिए, जैसे डाइनिंग टेबल पे ना इसमें पूरा खजूर भर के रख देंगे, और ये देखिए कितना एयर टाइट है, एकदम अच्छा है और साइज़ भी बहुत अच्छा है, एकदम बड़ा सा गोल सा, तो मुझे शेप और साइज़ सब बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने ले ली हूँ खजूर रखने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा जो है एकदम मिनी पैन है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। जैसे हम लोग खजूर की बीज बीज रखते हैं ना, तो मेहमान वहमान आते हैं तो खजूर तो रखते हैं लेकिन बीज रखने के लिए कोई प्लेट नहीं होती है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था कि खजूर की प्लेट जो है इसमें हम लोग खजूर की बीज रख सकते हैं छोटा सा। तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाला देख रहे हैं आप, तो ये जैसे हम लोग बिरयानी विरयानी दम देते हैं ना, या फिर अंडे का स्टू बनाते हैं, तो जिसमें आँच एकदम कम चाहिए होती है, तो ये उस लिए है। जैसे हम लोग पुराना तवा रख देते हैं गैस पे दम देने के लिए, तो ये रख सकते हैं हम लोग नीचे, ये दम देने के लिए है। तो और इसके ऊपर फिर बिरयानी का बर्तन रखेंगे, तो ये जो है इससे आँच है ना स्लो हो के ऊपर आती है, तो ये भी बहुत पसंद आया था मुझे, तो मैंने एक ये भी ली हूँ। और ये एक फ्रूट बास्केट मैंने ली थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये भी डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ली हूँ, तो ये बहुत अच्छी है। और एक ये मैंने ली हूँ, ये जो पैन है ना ये मैंने दूध वूध गर्म करने के लिए ली हूँ, जैसे आरिस का ना हल्दी दूध मैं बनाती हूँ, तो मेरे पास इससे पहले एक ये वाला था, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी कोटिंग पूरी ख़राब हो गई है, ये देखिए अंदर से पूरी ख़राब हो गई है, और ना ये साइज़ भी बहुत छोटा था, तो वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इसे बड़ा साइज़ ले लो, तो ये मैंने ली हूँ। तो ये वाला जो है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, कलर भी इसमें बहुत सारे थे तो मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट करके ली हूँ। और ये प्लेट जो है ना ये 6 प्लेट का ऑफ़र लगा था, तो प्लेट तो जितनी हो घर में कम ही रहती हैं, बच्चे तोड़ते रहते हैं, तो ये बहुत सस्ती मिल रही थी, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया 6 प्लेट का सेट। और एक ये मैंने लिया था, ये डॉलर स्टोर से ली थी मैंने, तो ये जो है ना स्पून रेस्ट है, मतलब जैसे अगर हम लोगों को ये इस तरह रखना होता है ना स्पून ऐसे,
कोई चम्मच चला दिए हम लोग बर्तन में तो उसका सालन वालन लगा होगा, तो वो चम्मच रखने के लिए इस तरह से ये स्पून रेस्ट है। और है ना, इसको एक और तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब अब ये ऐसे है तो यहाँ पे ये ऐसे ढक्कन रख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे करछुली रख सकते हैं, तो ये डबल यूज है इसका। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज मैं लेके आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई छोटी सी चीज़ भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेसिपी विथ व्लॉग देखने मिलेगा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया किस्म का। तो फिर ठीक है, आज के लिए मैं अलविदा चाहती हूँ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।